इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले मैं अंजुमन इस्लाम से और हमारी टीम से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ साई कॉलोनी रहमत नगर में जो हमारे डॉक्टर की टीम आज कैंप लगा के काम कर रही है, साथ ही साथ आज़म नगर की और एक एनजीओ है सीआईसी, जिसमें हमने देखा है कि हमारे साथ में पहले से ही जिस दिन से लॉक कोरोना के हमने कैंप स्टार्ट किए उस दिन से हमारे साथ जुड़ के पूरी एरिया में काम कर रही है। ये काम इन्होंने जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है और जितना हम सब मिलके इनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं उतना कम है। और मुझे भरोसा भी है और मैं इनसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि ये काम आप हमेशा कंटिन्यू कीजिए। अंजुमन इस्लाम हम आपके साथ में हैं और कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो डू नॉट हेजिटेट टू कॉल अस, हम हमेशा आपके साथ में हैं और रहेंगे। आई वुड लाइक टू वंस अगेन थैंक ऑल द डॉक्टर्स एंड दी पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स हियर, थैंक यू वेरी मच। एक किस्म का पैनिक था जो 15 दिन से यहाँ पे चल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम डॉक्टर्स की पूरी टीम ने इनको हमारे से जो भी खिदमत हो सकती थी हम यहाँ पे किए हैं, तो आइंदा दिनों में भी हम कोशिश करेंगे इस तरह खिदमत हमारे से हो। अंजुमन इस्लाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। और जैसे सब लोग जानते हैं कि जब ये महामारी शुरू हुई थी तो सब लोगों में एक डर था और बीच में कई डॉक्टर्स भी बंद कर रहे थे अपने क्लिनिक्स वगैरह, तो तभी राजू सेठ सर और अंजुमन की टीम जो है वो अब बढ़ करके फिर हमारे आज़मनगर के सीआईसी टीम ने बढ़ करके डॉक्टर्स का भी हौसला ये दिया और उसकी वजह से सब डॉक्टर्स फिर खोले हैं और आज़मनगर के इलाके में और यहाँ रहमत नगर के इलाके में जो है सब पेशेंट्स को, सब लोगों को एक इत्मीनान है कि सब डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। चाहूँगी लोगों को कि हमारे पास आने के लिए, चाहे सर्दी हो या बुखार हो या फिर कोई अदर बीमारी हो, इसके लिए हमारे पास आने के लिए बिल्कुल ना डरें, डोंट बी सो पैनिक एंड वी विल नॉट टेकिंग आर स्टेप बैक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, बट I just want to tell the people don't be panic, we are ready to help them and I would like to thanks all the Anjuman Islam team, Roger Seth and all the doctors team and all the MRs over here. More than us people are very much scared to come, like agar kuch bhi ho mild bhi raha to we are ready to treat, but people are not coming forward, so it's like ki, even if the people come also the people around them are very panicking them more than the patient around them, people are scaring them, like they're not social, like they're not getting to along with them, so people are feeling like very cornered, the patient who are affected also. So main thing is that ki like no, okay, maintaining social distancing is there but not cornering them. Aur sabse badke jo sabke saath dene wali Anjuman Islam zila Belgaum ki taraf se jo hamare ko madad mil rahi hai unka kitna bhi shukriya ada kiya utna kam hai. Aur jo kaam karne ke liye jo bahar nikle hain doctors, volunteers aur hamare doctor mein ladies doctors, inki himmat ki daad dena padega, kyunki बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं अपने क्लिनिक को और अपने घरों को लॉक करके ना किसी का फ़ोन अटेंड कर रहे हैं और ना किसी को आके देखने की उनमें सलाहियत है। अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया है, उस मौके को वो लोग गंवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ के इस मेडिकल कैंप का सक्सेसफुल बनाने के लिए सभी मस्जिद के जमात और सभी हमारे नौजवान जो है हमारा साथ दिए, और मैं अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम का भी शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ ताउन कर जो है इस मेडिकल कैंप को जो है सक्सेस बनाने के वास्ते उन्होंने हमें साथ दिया इसका, और मिसवा फाउंडेशन की तरफ से भी जो है हमें बहुत सा ताउन हुआ है कि उन्होंने अपने मेडिसन जो है उन्होंने अपने तरफ से लाकर हमको दिया है, और उसके बाद में अल इकरा का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे मोहल्ले के अंदर जो है बहुत से गरीब पेशेंट को उनके जानिब से जो है इलाज के लिए हमारी सही गाइडेंस किए हैं, और मदीना फाउंडेशन भी जो है हमारे साथ हमेशा जुड़ कर है और उन्होंने भी जो है हमारे मोहल्ले के जो गरीब
अफराद हैं उनके इलाज के लिए, उनके राशन के लिए हमारे साथ बहुत ताउन कर कर बहुत हमारे साथ दिए हैं उन लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जो आज कैंप किया गया है तो अशोक नगर कोविड 19 इंफॉर्मेशन सेंटर, जो अशोक नगर यंग कमेटी और जो मस्जिद अक्सा तंजीम कमेटी है, टीपू सुल्तान तंजीम कमेटी, उन सब से मिल सब मेम्बरान मिलकर कोविड एक्शन इंफॉर्मेशन सेंटर स्टार्ट किया है, जिसमें हम घर घर जा के तश्कील कर रहे हैं कि कोई बीमार पेशेंट है, किसी का बुखार है, किसी का सभी का हम टेम्परेचर ऑक्सीजन लेवल सभी चेक कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। अब इस वक्त जो मैं बात बता रहा हूँ, जिस अफराद या जिस घर के अंदर अगर कोविड की बीमारी से अगर मर चुका है तो उसके घर को जो है क्वारंटाइन किया जाता है, तो इसलिए वो उस घर के लिए जो तमाम जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ के लोग जो है उनको हिम्मत अफजाई देना चाहिए। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए कि माशाल्लाह बेलगाम में कई तंजीमें कौम की खिदमत के लिए माशाल्लाह जद्दोजहद कर रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर हर मोहल्ले में जगह जगह माशाल्लाह फ्री मेडिकल कैंप का इंतज़ाम किया गया है। तो आज हमारे मोहल्ले में मस्जिद अक्सा की कमेटी और यंग कमेटी मिलकर के माशाल्लाह ये नज़्म बनाए थे, जिसमें अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम की पूरी कमेटी आसिफ भाई नूरुद्दीन सेठ साहब के साथ पूरा अमला उनका आया था। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का, जो अपने कीमती वक्त दे के आज का एक कैंप और पेशेंट को देखने का काम अपने ज़िम्मे लिए हैं। साथ ही साथ वीर बंदनगर जमात और यंग कमेटी का अंजुमन इस्लाम, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है उस रोज से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उस रोज से, हर एक की मुश्किल आसान करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो बॉर्डर पे जाके जमातों को लेके आना हो, अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना हो उनको, चाहे कब्रिस्तान में हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, हर वक्त हम आपके साथ खड़े हैं। सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ साहब की सदारत में मोहल्लेवारी कैंप, मेडिकल कैंप मुनक़द किए जा रहे हैं ताकि लोगों का डर और खौफ एक कोरोना वायरस से निकल जाए। ये बीमारी, जैसे सेठ साहब ने कहा कि बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, जैसे जिस तरह से हम अपने मस्जिद में डिस्टेंस के सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज़ अदा कर रहे हैं, उसी तरीके से नमाज अदा करें, थोड़े दिन मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को साबुन से धोए बार बार, और इस बीमारी से अपने आप को बचाने की फिक्र करें और दूसरों को भी बचाए। जिस तरह से अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने जो काम पिछले 4 माह में कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, जिसकी वजह से पेशेंट अपने घरों में काफ़ी हद तक ठीक हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज अंजुमन की जानिब से वीरभद्र नगर 7th क्रॉस में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है और माशाल्लाह अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं अपना जो इलाज करवाने। मैं सभी से दरख्वास्त यही करूँगा कि कोरोना का कहर जो है, मतलब जो खौफ है, अपने दिल से निकालें और जो भी कुछ तकलीफ हो आके अपने फैमिली डॉक्टर से रब्ता कायम करें। अभी तक जो ये लास्ट 15 दिन पहले जो हालत थे, अभी उनमें काफ़ी हद तक सुधार देखा गया है। लोग घर से बाहर निकल के इन कैंपों से फ़ायदा उठा रहे हैं, काफ़ी हद तक लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और बीमारी मर्ज और मरीज़ दोनों में कमी देखी जा रही है। मैं डॉक्टर आफरीन फनीबन, वीरभद्र नगर में मेरा क्लिनिक है। यहाँ पे जो है अंजुमन की जमात की जानिब से जो एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है कोविड 19 को, मतलब लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि एहतियात बरतो, बहुत ज़रूरी चीज़ है सबके लिए। कोविड तो क्या है, ये 6 महीने में जाने वाली चीज़ नहीं है,
पेंडेमिक जो है अपना टाइम लेगा, जैसे एक साल लगेगा, दो साल लगेगा, या फिर वैक्सीन आएगा तब भी ये थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है और इलाज भी ज़रूरी है साथ ही साथ। अंजुमन के तरफ से आज फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है सेवेंथ क्रॉस वीरभद्र नगर में। मैं डॉक्टर सपूरा और आफरीन फनीवन इधर पेशेंट्स देख रहे हैं। हम लोग लोगों के दिल में से कोविड का कॉफ निकाल कर उनका इलाज करना चाह रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर जिया गवास, मैं इधर ही जागर गली में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आपको ये बताना ज़रूरी है कि बीमारी क्या है, आप सुनते ही आ रहे हैं कि कोरोना है करके, लेकिन एक्चुअली क्या है, इसके अंदर दो टाइप्स के पेशेंट्स हैं। खासकर हमारे गली वालों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक असिम्टोमेटिक पेशेंट है और एक सिम्टोमेटिक, जिसको सिम्टम्स रहेंगे एक कैटेगरी अलग है, और असिम्टोमेटिक पेशेंट जिसको सिम्टम्स नहीं रहेंगे। लेकिन असिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी ये बीमारी फैला सकते हैं। इसके लिए असिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो है, जिसको कुछ नहीं है फिर भी वो असिम्टोमेटिक है समझ के जो है अपने एहतियाती तदाबीर जो भी है उसको करना लाजमी है। जिस तरह अंजुमन की जानिब से कैंप हो रहा है, ये कोई पहला कैंप नहीं है। हर गली मोहल्ले में अंजुमन की तरफ से कैंप होते आ रहे हैं, और जिसकी जानिब से हम लोगों को आज तक जो भी यहाँ पे अवेयरनेस कोरोना के ताल्लुक से मिली है उसके हिसाब से देखें तो काफ़ी हद तक बीमारी को कंट्रोल में भी किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा अगर आप शुरुआती वक्त में अगर बीमारी को लेकर शुरुआती वक्त में अगर डॉक्टर्स के पास आएँ तो इंशाल्लाह क्लिनिक्स में ही आपका इलाज मुमकिन हो सकता है, और हुआ भी है अल्लाह की फजल से। काफ़ी सारे पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं और वापस वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आए भी हैं। अगर आप कोई मामूली गोलियां जैसे क्रोसिन ये वो खा के है ना, बाकी अगर आपकी बीमारियों को अंदर ही अंदर बढ़ावा देते चले जाएं और आखिरी वक्त आखिरी स्टेज में अगर आ जाएं तो बहुत मुश्किल हो सकती है डॉक्टर्स के लिए स्पेशली। आप मोहल्ले के उन नौजवानों से खासकर आजीजाना गुजारिश करता हूँ कि अपने मस्तूरात को जाकर कहिए कि यहाँ पर मेडिकल कैंप है और अपना चेकअप करा लिए, ये कोरोना टेस्ट नहीं है। सर्दी बुखार खांसी से कोई कोरोना नहीं होता है, या पॉजिटिव होने से कोई इंतकाल नहीं होता है। अपने जो डर और खौफ की वजह से जो शेर साहब ने कहा कि जो इंतकाल हो रहा था, आज अल्लाह के फजल से 3 रोज हो गए कोविड का, ये एक भी पेशेंट जो है इंतकाल नहीं हुआ है। और मैं आगे आपसे कहता हूं कि बीच में जो हमारे कब्रिस्तान में तकरीबन 20-25 रोजाना इंतकाल हो रहे थे, आज कल जो है अल्लाह के फजल से एक भी इंतकाल नहीं हुआ है।